हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट एट फॉर नेक्स्ट वीडियो, इसे ये सातवां पार्ट है। इससे पहले हम छह पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो उसको आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, इसलिए हम पार्ट सेवन लेकर आए। और नेक्स्ट पार्ट एट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। यह प्रश्न कराने का सिर्फ मकसद है, जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आई है नवंबर महीने में, जिसमें टोटल 26,146 पोस्ट है, उसमें आपको कैसे क्वेश्चन सही करने, उसके लिए हम जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच होने जा रहा है, उसको टारगेट करके क्लास लेकर आए हैं। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी वहाँ से आप कर सकते हैं, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, यानी बताना कि इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। तो देखिए, जब वाक्य हम पढ़ते हैं तो मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, तो वाक्य पढ़ने में सूत्र टाइप में लग रहा है, तो जब वाक्य पढ़ने में सूत्र टाइप में लगे तो उसके मीनिंग पे ध्यान दीजिए, यानी उसके जो अर्थ स्पेलिंग है उसका जो मीनिंग होता है उस पर देखिए। तो मुझे सही है, अभी सही है, बहुत सही है, बातें सही है, लेकिन सीखना है नहीं। तो मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है, अगर सीखनी रहता तो ये सही हो जाता, तो इसमें त्रुटि किसमें है, तो सीखना में, सीखना नहीं रहेगा, इसका शुद्ध हो जाएगा सीखनी। तो मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है, मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है, तो इसमें हो जाएगा मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है। देखिए, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तो रविवार के दिन नहीं, रविवार तो अपने आप में दिन होता है, तो रविवार के साथ दिन लगाना गलत होता है। तो शुद्ध वाक्य होता है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम हम 24 मार्च 2023 को दिए थे, जिसमें हमारा सिलेक्शन कुछ नंबर से रह गया, लेकिन हमारा हाइट 168 सेंटीमीटर ही होता है, इसलिए हम इसका प्रिपरेशन नहीं करते, हम सिर्फ 10 दिन प्रिपरेशन करके एग्जाम दिए थे कि देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर आप वीडियो स्टूडेंट प्लेट में जाकर हमारे, देखिए प्रेजेंट टाइम 871 भी हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल से 1300 लोग जुड़ चुके हैं, तो आप जाकर प्लेट में देखिए, 4 महीने पहले नया यूट्यूब चैनल बनाए हैं, तो उसी का है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न नंबर 2। ऐसे साहित्य, देखिए हम 10 प्रैक्टिस सेट मात्र हिंदी के लेकर आए हैं, जो 10 प्रैक्टिस सेट डीप लेवल का होगा, यानी कि यह कम से कम 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, जो 10 प्रैक्टिस सेट, इसके बाद हम वीडियो को 15 से 20 मिनट में खत्म कर देंगे 10 प्रैक्टिस सेट के बाद। लेकिन आपको भरोसा देते हैं कि अगर आप हमारे साथ सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप 20 क्वेश्चनों में 18+ क्वेश्चन सही करने के दावेदार हो जाएंगे, अगर आप नए स्टूडेंट भी हैं तो। आइए, तो आप सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट हमारे साथ देख लीजिए। ऐसे साहित्य की रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। प्रतिस्थापित करने का मतलब कि इसके नीचे अंडरलाइन दिया है अधिक मात्रा में व्याप्त, इसके जगह पे क्या रखेंगे जो सूटेबल बैठेगा। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है बदलाव, यानी इसके जगह पर उसको रखना, तो वही प्रतिस्थापन होता है। तो देखिए, इसका क्या हो जाएगा, तो ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक संख्या में व्याप्त हैं, अधिक संख्या में व्याप्त नहीं, अधिक मात्रा में व्याप्त हैं नहीं, अधिक मात्रा में विद्वान है नहीं, अधिक संख्या में विद्यमान है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप थोड़ी सा अपन कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो ऐसे क्वेश्चन को आप यूज सही कर सकते हैं बहुत कम समय। देखिए, ऐसे साहित्य की रचयिता, रचयिता के बारे में बात होता है, तो रचयिता अधिक संख्या में, तो रचयिता अधिक संख्या में नहीं कर सकते हैं। अधिक संख्या में क्या होता है, वस्तु होती है, जैसे कि आप बाजार में गए तो कह देते हैं कि हाँ किताब बहुत अधिक संख्या में थी, सेब बहुत अधिक संख्या में था, लोग अधिक संख्या में, लेकिन ये रचयिता की बात कर रहा है तो संख्या में नहीं रहेगा, मात्रा में भी नहीं रहेगा, क्योंकि मात्रा में इसकी नहीं होता है। मात्रा तो जो मात्रा में लोग कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में थी, कम मात्रा में थी, अधिक मात्रा में थी, नमक अधिक, जैसे खाना बनाए तो लोग बोलते हैं अधिक मात्रा में नमक डाल दिए, तो कम मात्रा में नमक डालना, तो मात्रा वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिक संख्या में विद्यमान है, अधिक संख्या में विद्यमान, तब क्या हो गया, तो ऐसे साहित्य की रचयिता अधिक संख्या में विद्यमान है, विद्यमान मतलब कि उपस्थित है। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करा रहे हैं, ताकि जो एसएससी जीडी की वैकेंसी 26,146 पोस्ट आए हैं उसमें आपको एक पोस्ट मिल सके, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच होने जा रहा है, तो उसी को टारगेट करके क्लास लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें। निम्न वाक्य में से रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताना है कि इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी, ये देखिए इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी, तो इसमें बताना है कि रेखांकित अंश राजनेता के नीचे अंडरलाइन किया है, राजनेता के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो बताना है कि राजनेता के जगह पर क्या सही रहेगा। तो इंदिरा गांधी क्या थी, तो इंदिरा गांधी महिला थी, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी महिला थी, तो महिला के साथ राजनेता का प्रयोग गलत होता है, महिला के साथ राजनेता का प्रयोग गलत होगा। अगर यहाँ पे रहता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की राजनेता थे तो वो सही हो जाता, लेकिन महिला है तो महिला के साथ राजनेता नहीं, राजनेत्री होता है, महिला का शुद्ध, महिला के साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो राजनेत्री, राजनेता तो पुरुषों के साथ प्रयोग होता है, राजनेता तो अगर पुरुष रहते तो पुरुष के जगह पर राजनेता सही रहता, लेकिन महिला की बात हो रही है तो महिला के जगह राजनेता नहीं, राजनेत्री होता है महिला का, तो महिला के जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो महिला के जगह पर राजनेत्री इस्तेमाल किया जाता है। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित दिए गए विकल्प का चयन कीजिए, जिसके पास न पहुंचा जा सके। देखिए, अनेक शब्दों का एक शब्द है, अनेक शब्दों का अनेकार्थी शब्द का यह है, यानी कि बताना है कि जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे एक शब्द में आप क्या कहिएगा, तो जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे हम एक शब्द में कहना चाहेंगे, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे अगम्य, अगम्य। देखिए, अगम्य मतलब, गम्य मतलब जाना, देखिए आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए तो आप आराम से क्वेश्चन को सही कर पाएगा। गम्य मतलब जाना और अगम्य मतलब न जाना, तो जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे अगम्य कहेंगे। अगाध किसे कहेंगे, तो अगाध इसे कहेंगे जिसकी गहराई का पता लगाना बहुत कठिन हो। देखिए, अगर गाध रहता तो गाध होता, जिसकी गहराई का पता लगाना बहुत आसान हो उसे गाध कहेंगे, और जिसकी गहराई का पता लगाना बहुत कठिन हो, जिसकी गहराई का अ लग जाता है तो अ का मतलब ही अपोजिट हो जाता है, अ का मतलब ही अपोजिट होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो गम्य मैंने जाना और अगम्य मतलब जिसके पास न पहुंचा जा सके, तो जिसकी गहराई का पता लगाना कठिन हो उसे अगाध कहेंगे। अज्ञेय किसे कहेंगे, जो गाया न जा सके, देखिए जो गाया न जा सके उसे अज्ञेय कहेंगे, और ज्ञेय कहेंगे जो गाया, जिसे गाया जा सके। और अगवानी किसे कहेंगे, तो अगवानी कहेंगे आगे चलकर किसी विशिष्ट अतिथि का स्वागत करना ही अगवानी कहलाता है। देखिए, बहुत पूछता है कि दुर्गम, बहुत पूछता है दुर्गम क्या होता है, तो दुर्गम अगर आता है जहाँ पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, जहाँ पहुंचा न जा सके उसे अगम कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जहाँ पहुंचा न जा सके उसे अगम कहेंगे और जहाँ पहुंचना बहुत कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे, और दुष्कर उसे कहेंगे जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी ऑफिशियल प्रश्न, एक भी प्रश्न हम अपने मन से इंक्लूड नहीं किए हैं। इन प्रश्नों को हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हम अच्छे अच्छे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, जो अच्छे अच्छे माने जाने हैं, जो तैयारी कराते हैं यूट्यूबर,
उन पे देख रहे हैं बच्चों के लेवल जैसा हिंदी लेकर आ रहे हैं। लेकिन देखिए ये इन 20 प्रश्नों को आप करिए, आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के ये प्रश्न है। 10 से 15 प्रश्न तो देखिए इजी लेवल के हैं जो कोई भी कर लेगा, लेकिन रिजल्ट उसी का होगा जो 15 प्लस यानी कि 18 प्लस या 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी देखिए आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम मेहनत में आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं हिंदी पे। तो आप हमारे साथ सिर्फ 10 से करिए आपको हिंदी 18 प्लस के आप दावेदार हो जाएंगे। तो हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट क्योंकि मैथ ओरिजिन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज्यादा समय लेगा, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पढ़ेंगे तुरंत ठीक करेंगे। जी का जिसमें भी गलत होता है, लेकिन हिंदी 100% एक्यूरेसी के साथ आप सही कर सकते हैं और इसमें आप नंबर गेन करना आसान है। तो आप 18 प्लस के दावेदार हो जाइए। इसके बाद 2 प्लस तो जो दो क्वेश्चन बचेंगे जो टॉप लेवल करेंगे उसको आप तुक्का मार दीजिए। अगर एक भी सही हुआ था प्लस पॉइंट में नहीं भी तो आपको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए व्यायामशाला तो व्यायामशाला का क्या होता है, उपयुक्त वाक्य मेरे स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प, यानी व्यायामशाला किसे कहेंगे? तो वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है, सही है, बिल्कुल सही है, वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है उसे ही व्यायामशाला कहते हैं। वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है उसे ही व्यायामशाला कहते हैं। और देखिए वह स्थान जहां बैठकर चर्चा होती है, वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है, वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हवन कुंड कहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा कि वह स्थान जहाँ बैठकर हवन किया जाता है, वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है उसे हवन कुंड कहेंगे, और वह स्थान जहाँ न्याय किया जाता है वहाँ उसे न्यायालय कहेंगे, वह स्थान जहाँ न्याय किया जाता है उसे न्यायालय कहेंगे, और वह स्थान जहाँ व्यायाम करेंगे उसे व्यायामशाला कहेंगे। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है, यानी इसमें से एक वाक्य गलत है, जो चार वाक्य हैं देखिए गलत है। आप जाइए अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल पे, ऐसे क्वेश्चन वो लेकर ही नहीं आ रहे हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो जो बच्चों के लेवल जैसे हिंदी आप पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन में आप गलत कर दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए हम आपको बता रहे हैं आप सरल तरीके से इसे सही कर सकते हैं। तो देखिए बताना है कि कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। मैंने उसे देखा भर था। तो देखिए ये सही है, सीता गा तो सकती है, बिल्कुल सही है। कल वह गया ही नहीं। देखिए इसको छोड़ा, यह कार्य तो किसी ने कर दिया, यह कार्य जैसे कि आप देखिए साधारण बोलचाल की हिंदी पूछ जाती है एसएससी जीडी में, क्योंकि संधि समास अलंकार से क्वेश्चन नहीं आते। तो देखिए आप सुने कि मैंने उसे देखा ही था, यानी मैंने उसे सिर्फ देखा था, छुआ नहीं था, उसके साथ कुछ किया नहीं, यानी उसे छुआ नहीं था, तो मैंने उसे सिर्फ देखा था, ये सही वाक्य है। सीता गा तो सकती है। क्वेश्चन अगर कोई पूछा क्या सीता गा सकती है, हाँ गीता सीता गा तो सकती है, बिल्कुल सही है। वह कल गया ही नहीं। देखिए अब यहाँ पे क्या गलत है, तो वह कल गया ही नहीं, यह गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत है, देखिए आपको रीजन बता रहे हैं। देखिए इसमें जो ही का प्रयोग हुआ है यह निपात है, यह रहता कि कल वह गया नहीं तो शुद्ध होता, लेकिन दिया कि कल वह गया ही नहीं और पूछा है कि क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है, तो ही क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। देखिए तो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ये रखते हैं, लेकिन ही क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है, ही एक निपात शब्द है, ही निपात शब्द है। निपात किसे कहते हैं, तो किसी पद विशेष पर जोर देने के लिए उस पद के बाद प्रयुक्त होने वाले अव्यय को ही निपात कहते हैं। निपात 9 प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखिए निपात, अगर आपको निपात पहचाना, निपात क्या क्या होता है, तो जैसे हाँ जी, जी हाँ, जी नहीं, हाँ नहीं, मत क्या क्या, काश किसा, ठीक करीब, लगभग, तकरीबन, जी, ये सभी निपात शब्द होते हैं। और देखिए अनुबंध क्रिया विशेषण का नाम आया, तो अनुबंध क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के किसी भी शब्द भेद के साथ हो सकता है उसे अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। अनुबंध क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के किसी भी शब्द भेद के साथ हो सकता है उसे अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह काम तो गलत ही हुआ है, आपके आने भर की ही देर थी, मैंने उसे देखा भरी था, उसे छुआ नहीं था, यह कार्य तो किसी ने कर दिया, और सीता गा तो सकती है, राम पढ़ तो सकता है, राम वहाँ जा तो सकता है, आप बाजार जा तो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आटे दाल का, देखिए भी इजी प्रश्न, इसे तो सभी लोग क्वेश्चन सही करें। तो आटे दाल का मालूम होना, इस मुहावरे को क्या करें, तो आटे दाल का क्या मालूम होना, आटे दाल का रुपया मालूम होना नहीं, आटे दाल का पैसा मालूम होना नहीं, आटे दाल का रंग मालूम होना नहीं, आटे दाल का भाव, मार्केट में है या कहीं भी है, तो आटे दाल का भाव मालूम होना। अब आम बोलचाल में भी लोग बोलते हैं कि आटे दाल का भाव इस समय बढ़ा हुआ है, तो आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरा का अगर अर्थ पूछेगा कि मुहावरा का अर्थ क्या है, तो अगर इसमें पूछा नहीं है लेकिन अगर आने वाले सीटों में पूछेगा कि मुहावरा का अर्थ क्या है, तो कष्टों का अनुभव वाला, जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि यार मुझे तो आटे दाल का भाव मालूम है, यानी कि कष्टों का अनुभव है, तो अगर पूछेगा कि आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या हुआ, तो कष्टों का अनुभव होना। देखिए सभी प्रश्न एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को थर्ड शीट में पूछा गया, हिंदी के सभी 20 प्रश्न जो एक्स्ट्रा फेट के साथ हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए, ये सातवां प्रैक्टिस सेट है, तो 10 प्रैक्टिस सेट को आप हमारे साथ कर लीजिए। इसके बाद हम इसके बाद के वीडियो लाएंगे, तो वो मात्र 15 से 20 मिनट वीडियो खत्म कर दिया करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आप किस तरह प्रश्नों को सही करना सीखे, ताकि हम थंबनेल में लगाए हैं कि 20 में से 18 प्लस सही कराने की गारंटी, तो गारंटी हम आपको दिए हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा अच्छे से और डीप में बता रहे हैं, वीडियो बढ़ाओ, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए, जिसका जन्म बाद में हुआ उसे क्या कहेगा, तो जिसका जन्म बाद में हुआ उसको आप क्या कहेगा, तो जिसका जन्म बाद में हुआ उसे हम अनुज कहेंगे, जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज, अनुज का अर्थ क्या होता है, छोटा भाई, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, और अग्रज का अर्थ क्या होता है, तो अग्रज अग्रता है, अग्रज, ये भी बहुत पूछता है, और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जिसका जन्म बाद में हुआ, तो जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज, अनुज को क्या कहते हैं, तो अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। अगर क्वेश्चन पूछा है कि जिसका जन्म पहले हुआ, तो जिसका जन्म पहले हुआ तो वहाँ पे हो जाता है अग्रज, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। अब देखिए क्लास आपके की रोजगारी शेड्यूल टू देखेंगे, जो हाल ही में क्रिकेट का वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट चेक करें, जिससे आपको पता चलेगा कि हम किस प्रकार का कंटेंट दे रहे हैं, और इससे पहले के प्रैक्टिस सेट हम वीडियो में अपलोड, देखिए अगर आप लोग इन वीडियो को शेयर करके अगर 1K व्यू पहुंचा देंगे तो हम तुरंत ही मैथ का भी सिटवाइज एनालिसिस कर लेकर आएंगे, क्योंकि हम वीडियो बनाकर रखे हुए, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट अच्छा नहीं लगा इसलिए अपलोड नहीं कर रहे हैं। अभी हम हिंदी और जीके के पर डे क्लास दे रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। देखिए अगर पूछा अतुल दिया है, तो अतुल का अर्थ क्या होता है, अतुल का अर्थ होता है अतुलनीय, तनुज का अर्थ क्या होता है, तो तनुज का होता है पुत्र, ये भी पूछ सकता है, तनुज का अर्थ क्या होता है, पुत्र, अन्य का अर्थ होता है अक्षय। और देखिए अगर पूछा कि शत्रु को मारने वाला को क्या कहते हैं, तो शत्रुधन कहते हैं, जिसके हृदय में ममता हो उसे निर्मम कहते हैं, जिसके हृदय दुख के कारण टूट गया उसे भगवान दुख कहते हैं, भगवान दुख कहते हैं, बहुत पूछता है, और जिसके हृदय ममता उसे निर्मम कहते हैं, जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही की चुहन सह सकते हैं, तो देखिए जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वह किसका
वो किसका चुभन सह सकते हैं, तो क्या वो कील का चुभन सह, अगर आपका जीवन कांटों के बीच करने का मतलब ये कि अगर आपका जीवन कष्टों के बीच बिता है तो क्या आप कील का चुभन सह सकते हैं, नहीं, क्या आप सर का नहीं, क्या आप बाण का चुभन सह सकते हैं, नहीं, शूल का चुभन सह सकते हैं। देखिए आपको हम दावा करते हैं कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए ना कि आप बच्चों के लेवल जैसे जाकर अच्छे यूट्यूब चैनल पर अपना टाइम खराब करें, तो आप कम सटीक पढ़िए। तो देखिए और आप शूल देखिए कील का चुभन सह नहीं कर सकते, कील का चुभन आप कभी मुहावरा में या बोलचाल नहीं सुन होंगे, और या तीर का चुभन या बाण का चुभन नहीं सुनते, तीनों ऑप्शन को अगर काट भी देंगे तो ऐसे भी आपका ऑप्शन यही सही बैठेगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, कमेंट सेक्शन थोड़ा इस्तेमाल करके आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शूल की चुभन, तो शूल का अर्थ बता देते हैं, शूल का अर्थ क्या होता है, तो शूल का पर्यायवाची होता है कांटा, शूल का पर्यायवाची क्या होता है, तो शूल का पर्यायवाची होता है कांटा, तो इसीलिए कहा रहे थे देखिए जिसका जीवन कांटों के बीच बीता है वही कांटों की चुभन सह सकता है, तो शूल का अर्थ होता है कांटा, तो अगर आप यहाँ शूल रख दें या शूल का अर्थ होता है कांटा तो आप कांटा रख के देखिए जिसका जीवन कांटों के बीच बीता है वही कांटों की चुभन सह सकता है, वाकई शुद्ध हो गया कि नहीं। यह क्लास हम एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी नवंबर महीने में आएगी जिसमें टोटल 2646 पोस्ट है, तो उसमें उसी को हम टारगेट करके क्लास दे रहे हैं जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच होने जा रहा है, तो उसके लिए क्लास भी बहुत ही कारगर होगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य मेरे स्थान की पूर्ति के लिए खाती शब्द का चयन करें, खाती शब्द बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा, का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है और का प्रकोप सब कुछ जला देता है, जला देता है और उखाड़ देता है, तो उखाड़ता कौन है, तो हवा का प्रकोप, हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। अगर आप हवा का प्रकोप देखेंगे तो हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है और आग का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो देखिए ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके इसको सही कर सकते हैं। तो कौन उखाड़ता है, तो उखाड़ता है हवा, हवा का प्रायवाची देखिए क्या अग्नि होता है, पहले देखिए इसको आप पहले नंबर से रखना चाहिए। देखिए अगर यहीं पे ऑप्शन देता है एक अनल और अनिल, देखिए अगर एक ऑप्शन देता है तो मान लो जी अनिल दे दिया है, देखिए पहले तो देखना है उखाड़ देता है, पहले दिया है तो उखाड़ देता है कौन, तो हवा उखाड़ता है, और हवा का प्रायवाची क्या होता है, तो हवा का प्रायवाची होता है अनिल, हवा का प्रायवाची क्या होता है, तो हवा का प्रायवाची होता है अनल अनिल, तो अनिल तो पहले नंबर पर रहेगा। क्या अग्नि, अग्नि तो देखिए अग्नि को जलाता है तो अग्नि का प्रयोग बाद में होगा, लेकिन पहले नंबर बताना है तो आगे कौन रहेगा, तो आगे रहेगा हवा, तो हवा तो अग्नि का प्रायवाची नहीं है, सुंदर तो है ही नहीं, अभिनेता ही नहीं, देखिए ऑप्शन तुरंत ही सही होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वीडियो को बड़ा होता है इसलिए क्योंकि हमको समझाने का प्रयास करें। तो देखिए अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है अग्नि, अनल का अर्थ होता है अग्नि, तो देखिए हवा उखाड़ता है और अग्नि जलाता है, हवा उखाड़ देता है और अग्नि जला देता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर देखिए, नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है, जो ये मोटिवेशनल क्विज लाने का एक ही अर्थ है कि आपको, आप थोड़ा मोटिवेट रहे हैं, आपको क्लास इरिटेटिंग ना लगे। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाओ मेरे दोस्तों, सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि 24 फरवरी से आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो पहले से प्रिपरेशन करिए और सटीक और अच्छी रणनीति से प्रिपरेशन करिए, तभी 2646 पोस्ट में एक पोस्ट आप ले पाएंगे, वरना कंपटीशन तो आप जानते हैं कंपटीशन का लेवल ही। तो सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए मेरे दोस्तों, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। और देखिए एक और है, जहां आप कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्तों वहां एक चीज पक्का कीजिएगा, कोशिश। जब आपको लग रहा है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप नए स्टूडेंट हैं, तो आप एक बार चीज जाना अगर कोशिश जरूर करिए, क्योंकि आप जहां कुछ नहीं कर सकते वहां कोशिश जरूर कर सकते हैं, यह बात आप लाइफ में याद रखिएगा, आपको यह बहुत हेल्पफुल होगा। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ, और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहां पर हम पीडीएफ देते हैं, वहां से इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन के लिए बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं। यह क्लास आपके लिए गाइडेड यूट्यूब चैनल पर देखें, जो हाल ही में क्रिएट किया गया हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी पुलिस सहित अन्य सभी ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके क्लास दी जा रही है, तो आप प्लेलिस्ट से जरूर देखें और सपोर्ट भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट के हिसाब से ही हम वीडियो लगाएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमको मजबूरन वीडियो बंद करना पड़ेगा। तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, तो दांतों तले उंगली दबाना, आपको दांतों तले उंगली दबाइएगा, तो क्या आप सीख काढ़ना, दांतों तले उंगली दबाना कभी सुने सीख काढ़ना नहीं, उंगली में दर्द होना क्या दांतों तले, अगर कोई आदमी कोई अगर आप सुने होंगे आप दांतों तले उंगली कब दबाते हैं, क्या आप उंगली में दर्द होता है दबाते हैं, नहीं, बहुत भूख लगता है तो क्या उंगली को खाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तीनों ऑप्शन कट जाएगा, तो कौन बता चकित होना। देखिए दांतों तले उंगली दबाना का हिंदी में मुहावरे का अर्थ होता है चकित होना, जैसे कि आप कोई आप गए कहीं मार्केट में या कहीं घूमने, अगर आप कोई ऐसी चीज देख लीजिए जो आपने कभी देखा ही नहीं था या आपको आश्चर्य लगा तो आप चकित होते हैं, तो वही कहा जाता है दांतों तले उंगली दबाना। और देखिए और कुछ आपको बता देते हैं, बहुत पूछता है, कान भरना यानी चुगली करना, तंग करना, परेशान करना, उंगली पर नचाना अपने बस में कर लेना, कमर कसना तैयार होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना सबसे पृथक काम करना। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे पृथक काम करना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, तो इसमें से बताना कौन सा एक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ऐसे प्रश्न जाकर हमारे चैनल के कम्युनिटी में देखिए, कम्युनिटी में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लोग इसका गलत आंसर कर रहे हैं और बहुत लोग जानते हैं कि हिंदी तैयार है, आप ऐसे प्रश्नों को पढ़िए जो पूछे जाते हैं। तो देखिए एक वाक्य में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताता है वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, तो क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और प्रविशेषण कहते हैं जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है, विशेषण जो किसी वाक्य का में किसी वस्तु की विशेषता बताए उसे विशेषण कहेंगे, क्रिया विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। और मानेंगे इस प्रश्न पे, तो देखिए रोहन सोहन सोता है, सोहन सोता है कौन सी क्रिया है, यह अकर्मक क्रिया है, सोता है, बच्चा रोता है यह भी अकर्मक क्रिया है, मोहन हंसता है यह भी अकर्मक क्रिया है। देखिए यह भी पूछ सकता है एनालिसिस पेपर में कि अकर्मक क्रिया कौन सा, सकर्मक क्रिया क्या है, तो देखिए सोना रोना और हंसना ये सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम देंगे तो आपको यह प्रश्न पूछा जाता है अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, तो सोना रोना और हंसना ये सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अकर्मक क्रिया वह होती है जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा ही नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण की बात कर लिए, तो देखिए घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह शब्द है इसको हम शुद्ध करेंगे, यह सही शब्द, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है कैसे, तो देखिए घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ना इसमें क्या है, तो दौड़ना क्या है, तो दौड़ना क्रिया है, दौड़ना इसमें क्या है, तो दौड़ना इसमें क्रिया है, और तेज दौड़ना क्या है, तो तेज दौड़ना इसकी विशेषता है, और बहुत तेज दौड़ना वो क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया की जो विशेषण बताएगा उसे ही क्रिया विशेषण कहेंगे। तो इस वाक्य में दौड़ना क्रिया है और तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है, और वह कितना तेज दौड़ रहा है यानी बहुत तेज दौड़ रहा है, तो वही है क्रिया विशेषण। पूछ गया कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है, तो क्रिया विशेषण है बहुत, और पूछेगा कि विशेषण कौन है, तो तेज, क्योंकि विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ रहा है, और दौड़ना क्या है, तो दौड़ना है क्रिया।
और देखिए हुआ बहुत तेज दौड़ता है, इसी प्रकार आप वाक्य को रिलेटेड करके पढ़िए और वाक्य को समझिए। कहा भैया देखिए, तो देखिए घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो दौड़ना क्रिया है, तेज क्या है, तेज है विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है बहुत क्या है तो बहुत क्रिया विशेषण है। और हम आ जाएंगे, देखिए सभी प्रश्न 11 जनवरी 23 को थर्ड शीट पर पूछा गया, हिंदी के ऑफिशियल पेपर है, इसमें अपने मन से इंक्लूड नहीं किए हैं, 30 प्रश्न को हम अच्छा लेवल का मारेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत लोग गलत करेंगे। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को हम देखिए कम्युनिटी में पूछेंगे इस वीडियो अपलोड करने के बाद, देखिए या पूछे भी हैं या पूछे भी, देखिए इसको प्रश्न को हमें उम्मीद है कि 70% लोग ही सही कर पाएंगे, बहुत लोग इसको गलत करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप जरूर करें, और आप आलतू फालतू क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, तो हमारे टेलीग्राम आप हमारे ग्रुप से जरूर जुड़े और सपोर्ट करें वीडियो को। तो देखिए रौनक का चोट लगने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, रौनक को नहीं रौनक को, रौनक को, तो रौनक को चोट लगने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, वाकई मेरी कसम की पूर्ति के लिए बताइए। तो चोट लगने पर के बाद खाली स्थान है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो रौनक को चोट लगने के बाद, तो देखिए आप सबको देखिए तत्कालिक अस्पताल ले जाएंगे उपचार के लिए, तत्कालिक क्या शब्द होता है कट जाएगा, तत्कालिक, तत्कालिक देखने में तो शुद्ध लग रहा है, आगे बढ़ रहे, तत्कालीन, तत्कालीन कट जाएगा, और तात्कालिक, तो देखिए अगर किसी को चोट लगे तो उसे तत्कालिक कहा जाता है कि तत्कालिक उसे तत्काल ले जाएगा हॉस्पिटल, तत्कालिक कौन सा सही होगा, तत्कालिक या तात्कालिक, तो ये शुद्ध होता है तात्कालिक, तात्कालिक कहा जाता है, तात्कालिक, तत्कालिक लोग बोल देते हैं आम बोलचाल में कि तत्कालिक उसे तत्काल ले जाएगा, लेकिन तात्काल होता है, तात्कालिक इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा, तो शुद्धवर्तनी हो जाएगा तात्कालिक। नेक्स्ट प्रश्न कहूँ, दीवा, दीवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द, देखिए समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम ही समानार्थी शब्द, तो देखिए यहाँ पर पर्यायवाची ना देगा समानार्थी देगा, दे दिया, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर नहीं जानते हैं समानार्थी शब्द क्या होते हैं तो आप क्वेश्चन गलत है, समानार्थी यानी कि समान अर्थ बताने वाले, पर्यायवाची भी वही होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं। तो दीवा रात्रि यानी कि दिन और रात, दीवा मैंने दिन का ही पर्यायवाची है और रात्रि रात का पर्यायवाची है, तो दिन रात का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द है, निम्नलिखित वाक्य रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होता है, महाशिवरात्रि के समय लोग जागते रहते हैं, तो महाशिवरात्रि के समय लोग जागते रहते हैं, क्या महाशिवरात्रि के समय लोग निर्जल जागते हैं, निर्जल जागते हैं, जागना निर्जल तो व्रत होता है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं क्वेश्चन पूछता है कि महाशिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं तो निर्जल व्रत मान लीजिए हो सकता है, तो निर्जल क्या होता है, व्रत हो सकता है, महाशिवरात्रि के समय लोग भरपेट जागते रहते हैं, क्या लोग भरपेट जाएंगे, नहीं कट जाएगा, महाशिवरात्रि के समय लोग अहर्निश जागते हैं, नहीं अहर्निश हो सकता है, या दिन भर जागते रहते हैं, देखिए यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कर लेंगे, तो देखिए अब देखिए हम आपको बता रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो देखिए महाशिवरात्रि के समय लोग जागते रहते हैं, बहुत लोग क्या करेंगे कि दिन भर सही करेंगे, दिन भर जागते रहते हैं, लेकिन नहीं दिया है कि दीवारात्रि, वाक्य को पहले पढ़िए, दीवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द है जो दिए गए रिक्त स्थान पर प्रयोग होगा, तो दीवारात्रि का समानार्थी तो अहर्निश, अहर्निश का क्या होता है, तो देखिए अहर्निश का पर्यायवाची होता है दिन रात, दिन रात, दिन भर का मतलब तो दिन भर हो गया, तो दिन भर ये सूटेबल नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा अहर्निश, और देखिए ऐसे प्रश्न ही गलत होते हैं, तो अहर्निश का अर्थ क्या होता है, तो अहर्निश का अर्थ होता है दिन रात, और निश किसका पर्यायवाची है, तो दिन रात हर एक पल हर समय लगातार इसका ही पर्यायवाची है, और निर्जल का पर्यायवाची क्या होगा, तो निर्जल का पर्यायवाची होगा सूखा, जलहीन, और भरपेट का होगा मन भर, और दिन भर का होगा पूरे दिन, दिन देखिए दिन भर का पर्यायवाची क्या होगा, और पूरे दिन रहता तो यहाँ पे सही होता, तो दिन भर का पर्यायवाची होता है पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक, दिन भर यानी कि बस सिर्फ दिन की बात हो रही है, देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आप दिन भर को सही करना चाह रहे थे तो दिन भर का क्या होता है, तो दिन भर का होता है सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर दिन भर यानी कि दिन भर सिर्फ, रात को नहीं, लेकिन ये कहा है कि दिया रात यानी कि दिन और रात दोनों, तो दिन और रात और निश का होता है, ये क्लास आपकी रोजगार शेड्यूल चैनल पे देख रहे हैं, अगर वीडियो से जुड़े तो प्लीज जरूर चेक करें ताकि पता चल सके किस प्रकार कंटेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है, ऊपर के वाक्य में तीव्र के स्थान पर, तीव्र के स्थान पर उसके विलोम, विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए, तो तीव्र का विलोम क्या होगा, बताना है कि तीव्र का विलोम क्या होगा, देखिए अगर आप इसको विलोम को नहीं पढ़ेगा तो बहुत लोग अर्थ मारकर और तुरंत ही इसको मारेंगे, हवा का वेग अत्यंत उग्र है, इसको मारकर सही कर, लेकिन आप गलत हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन इसको भी इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आप जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न को गलत करेंगे, तो आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है, तो तीव्र का विलोम, तो आपको इस सभी वाक्य को भूल जाइए, डायरेक्ट बताना कि तीव्र का विलोम क्या होगा, तो तीव्र का विलोम क्या होता है, तो तीव्र का विलोम होता है मंद, तीव्र का विलोम क्या होता है, तीव्र का विलोम होता है मंद, जो एक ही ऑप्शन है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए प्रखर, तेज, ये सभी ऑप्शन पड़ जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, तो तीव्र का विलोम जानते हैं कि मंद होता है, तो मंद इसका सही, तीव्र यानी तेज होता है, मंद का अर्थ होता है धीमा, और आलोक का तिमिर, विज्ञ का अज्ञ, बहुत कुछ है विज्ञ का विलोम, तो विज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, अनिवार्य का हो जाए अच्छी, अनिवार्य मतलब करना ही करना है, अच्छी मतलब कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं अपनी इच्छा के पे, और आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16, देखिए प्रश्न नंबर 16 ये 5 नंबर के आते हैं जिसे हम अपठित ध्यान के रूप में मानते हैं, खाली स्थान वाले प्रश्न, देखिए ऐसे प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे प्रश्न को अगर आप हमारे जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े इन प्रश्न को प्रैक्टिस पाने के लिए, वीडियो पाने के लिए, और देखिए ऐसे प्रश्न को आप इस्तेमाल आप सही करना बताएं, कितना भी भारी से भारी पैर पूछे आप सही कर सकते हैं, देखिए खाली स्थान को सब मिलाकर भरना है, तो वीडियो बड़ा इसलिए हम पास करें, आप इनको पढ़ लीजिएगा, और आ जाते हैं प्रश्न पे, प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, और प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना क्या है, बताना है पहले नंबर पर इस पर क्या भरा जाएगा, विफल अपराध है, विफल अपराध है नहीं, दंडनीय अपराध है, तो दंडनीय अपराध है नहीं, दयनीय अपराध नहीं है, सोचनीय अपराध है नहीं, तो दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध, अपराध हमेशा कैसा होता है, दंडनीय होता है, दंडनीय अपराध यानी कि दंड देने के योग्य, दंडनीय का मतलब होता है दंड देने योग्य, तो दंड देने योग्य अपराध यानी दंडनीय अपराध है, पहले नंबर पर हो जाएगा दंडनीय अपराध, दूसरे नंबर पर जाएंगे दंडनीय अपराध है, पहले नंबर पर भरती है, सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए हैं, तो सरकार द्वारा क्या बनाए गए हैं, अगर बच्चों को देखिए बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है, सरकार द्वारा इस संबंध में क्या बनाए गए, तो क्या सरकार द्वारा कानून बनाए गए, हो सकता है सरकार द्वारा समय बनाए गए, नहीं सरकार द्वारा पुस्तक बनाई गई है, नहीं क्या सरकार द्वारा विचार बनाया गया, नहीं तो सरकार द्वारा क्या बनाया गया, कानून बनाया गया, देखिए ये रियल लाइफ से रिलेट करिए, आप इन प्रश्नों को बिल्कुल सही कर पाइएगा, देखिए सरकार द्वारा क्या बनाया गया, तो सरकार द्वारा कानून बनाया गया, अब क्या होगा, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना, उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है, सरकार द्वारा इस संबंध में कानून बनाया गया, यहाँ तक हम आ गए, किंतु क्या जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 बना है, तो किंतु उनके क्रियान्वयन का अन्य सरकारी संगठनों पर है, तो क्या अन्य सरकारी संगठन क्या है, अभ्यस्त है, नहीं संबंध है, अन्य सरकारी संबंध संगठनों पर क्या संबंध है, संगठनों से रहता तो संबंध सही होता, लेकिन पर दिया है तो पर के लिए संबंध नहीं हुआ, अहित है, नहीं तो उत्तरदायित्व है, देखिए उत्तरदायित्व बिल्कुल सुटेबल बैठा है, तो किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व अन्य संगठनों पर है, उत्तरदायित्व मतलब कि उन्हें निभाने का, भारत में 5 से 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के
नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न नंबर चौथे भरेंगे, प्रश्न नंबर पेज या चौथा क्या भरेंगे। तो भारत में 5 से 15 वर्ष तक के मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। किस प्रकार के मजदूर, मजदूर बड़े मजदूर, क्या मजदूर बड़े होंगे, नहीं बाल मजदूर, नहीं मेहनती मजदूर, मजदूर मेहनती होते हैं उसे आप रियल लाइफ में मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भरना है कि किस प्रकार के मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर है 5 से 15 वर्ष के। तो श्रमिक मजदूर को क्या कहते हैं, तो श्रमिक, देखिए श्रमिक यहाँ पे भरेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत में 5 साल से 15 वर्ष तक के श्रमिक मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर पांच, पांच क्या भरेंगे इसे बताना है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में, सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में होना होगा, क्या होना होगा, व्यक्तिगत होना होगा, नहीं नियमित होना होगा, नहीं तो निष्क्रिय होगा, निष्क्रिय हो जाएगा तो फिर फायदे क्या कानून का, नहीं सक्रिय होना होगा। तो देखिए सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को इस दिशा में सक्रिय होना होगा कि, अब देखिए हम आपको पूरा पैसेज पढ़ के सुना दे रहे हैं, भर के देखिए कितना सूटेबल हो गया। बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। क्या गया, तो पढ़ने पर क्या गया, दंडनीय अपराध है। दूसरा, सरकार द्वारा इस संबंध में क्या बनाए गए, तो कानून बनाए गए सरकार द्वारा, क्या बनाए गए, तो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं, किंतु उनसे क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व तीसरा नंबर क्या गया, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, किंतु उनके क्रियान्वयन का यानी कि जो कानून बना है उसको चलाने का कार्य उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर, यानी कि अन्य सरकारी संगठन पे है। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के मजदूरों, मजदूरों किस प्रकार, श्रमिक मजदूरों, तो श्रमिक मजदूरों, भारत में 5 से 15 वर्ष तक के श्रमिक मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में क्या होना होगा, सक्रिय होना होगा, सक्रिय होना होगा। नेक्स्ट पेज देखिए, एस एस जी का एग्जाम दिए थे 24 जनवरी 2023 को, हमारी हाइट 168 सेंटीमीटर होती है, तो इसलिए इसका प्रिपरेशन नहीं किए थे, सिर्फ हम 10 दिन प्रैक्टिस करके यूट्यूब चैनल से और एग्जाम दिए थे, लेकिन हम गलत यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस किए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो अच्छे अच्छे माने जाने यूट्यूब चैनल उसकी बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए वजह से हिंदी का प्रैक्टिस कराए, जिसमें हमारा हिंदी सही तो हुआ 17+ सही कर पाए, लेकिन हम 20 में 20 करने लायक हिंदी थी, लेकिन हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए थे इसलिए नहीं कर पाए, और हमारा जीके का पोर्शन थोड़ा सा वीक बना दिया, जीके में क्वेश्चन हमारे साथ ही 5 क्वेश्चन सही हुए थे, इसलिए हम थोड़ा सा हमारा रह गया, नहीं तो हाइट में छठे होते नहीं तो हम इसको पेपर क्वालीफाई कर देते। देखिए 4 महीने पहले वीडियो अपलोड के उसी समय चैनल को बनाए थे, तो देखिए उस पर जेंट में 800 भी और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जेंट में 1300 लोग जुड़ चुके हैं, तो आप वीडियो सपोर्ट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमको वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं, और क्लास आप रेगुलर शेड्यूल चैनल पर देखें, जो हाल ही में क्रिएट किया था हमारे चैनल पर, एसएससी जीडी सहित अन्य सभी वंडे कंपनी को टारगेट करके क्लास दी जा रही है, तो अगर वीडियो से जुड़े तो प्लीज करें, और जॉइन टेलीग्राम फॉर फ्री वीडियो क्लास की प्रिपरेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे हम इन प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए पहले क्वेश्चन पीडीएफ देते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन के लिए वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट 8 ये जैसा कि 7वां सेट है, इससे पहले 6 सेट अपलोड कर दिए, आप लोगों को अच्छा सपोर्ट रहा इसलिए हमसे जारी रखें, तो नेक्स्ट शिफ्ट 8 कमिंग सून फॉर नेक्स्ट क्लास, अगर आप लोगों को अच्छा सपोर्ट रहा तो हम फिर इस सीरीज को जारी रखेंगे, आप हमारे साथ सिर्फ 10 प्रैक्टिस कर लीजिए, आप 18+ के दावेदार हो जाएंगे, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक इसे जरूर करिए, शेयर करिए, मनोबल जरूर रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आप प्लेलिस्ट के बाद जरूर चेक करें।